हेलो गाइस, पिछली वीडियो में हमने वर्गमूल पर टॉप 10 क्वेश्चन हल किए थे। आज के इस वीडियो में भी हम कुछ घनमूल और वर्गमूल के ही कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उसको भी हम लोग कर लेंगे। हम इन वीडियो में सिर्फ महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन ही डालते हैं, ठीक है। इसमें भी हम 3 क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो वो घनमूल व वर्गमूल पर प्रश्न, पहला हल करेंगे हम लोग। जैसे कोई क्वेश्चन है, ए बराबर 5 प्लस 2 रूट में 6। तो ये है जो लिखा है 5, इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र में हल करेंगे, और इसको 2ab, ठीक है। ये सूत्र आपको लोगों को पता ही होगा, पिछली वीडियो में हम लोग बता चुके हैं। तो ये सूत्र हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग अगर रूट 6 को ए गुड़े बी में तोड़ें तो क्या तोड़ सकते हैं, रूट में 3 गुड़े रूट में 2, ठीक है। 3 दूनी 6 हो जाएगा, रूट में 6 हो जाएगा हमारा। अब रूट में 3 जो है ए हो गया, और रूट में 2 बी हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 3 प्लस रूट में 2 प्लस 2 इंटू रूट में 3 गुड़े रूट में 2। और ये सूत्र हमारा बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो स्क्वायर होगा ना, हम भूल गए थे सॉरी, रूट में 3 का स्क्वायर प्लस रूट में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब सूत्र बन गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रूट में 3 प्लस रूट में 2 का होल स्क्वायर। अगर ऐसा आपको दिखे तो हमें ये वाला जो रूट में 6 है इसको 2ab में तोड़कर हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ये वर्गमूल पर आधारित है, ठीक है। तो इसमें होगा 920 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। मतलब 920 में हम क्या जोड़ें, ठीक है, 920 के अधिक आएगा, ठीक है। तो इसको हम पहले भाग विधि से इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। भाग विधि से वर्गमूल निकालना बता दिए हम लोग, ठीक है। इसमें पहले इकाई अंक से 2 का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे 3 से किसका वर्ग जाता है, ये 3 बार ले जाएंगे तो हम लोग 3 3 का कितना हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 3 3 6, ठीक है। और 9 में से 9 तो कट जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 20। अब 6 को एक बार बीज ले जाएंगे हम लोग, तो 61 को एक बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, अब 61 में से 20 घटा देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा हमारा 41। तो मतलब कि 920 में अगर हम 41 जोड़ दें, ठीक है, 920 में अगर हम 41 जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। 41 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जैसे कोई संख्या दिया है रूट में, फ्रैक्शन में दिया है, ठीक है। जैसे लिखा है 7/875 ना, तो इसको हम लोग देखेंगे। पहले इसको सरल कर लेते हैं, 7 से काट देंगे, 7 1 = 7, 7 2 = 14, और 7 5 = 35, यह आ गया हमारा 1/125। अब 125 का घनमूल निकालेंगे। वहाँ देखिए रूट में छोटा सा 3 लिखा है, इसका मतलब होता है घनमूल। तो इसका घनमूल क्या आ जाएगा, 5 घनमूल।